हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, धुलेरा वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे धुलेरा में जो प्लॉट बिक रहे हैं उन प्लॉटों में बैंक की लोन होती कि नहीं होती है, उन प्लॉट में आप बैंक से फाइनेंस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। क्यों, कई सारे ग्राहक, कई सारे इन्वेस्टर मुझे ही पूछते रहते हैं कि धुलेरा में प्लॉट लेने के वक्त वो किसी बैंक से लोन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो इसके बारे में आज बारीकी से समझेंगे, तो चलिए चलते हैं। क्या धुलेरा में किसी प्लॉट के ऊपर आप लोन ले सकते हैं? आज के कंडीशन में नहीं। किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक धुलेरा में प्लॉट या जमीन खरीदने के वक्त आपको लोन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? पहले हम समझते हैं लोन किस किस कंडीशन में मिलता है। ज्यादातर बैंक अर्बन एरिया के प्लॉट वो भी अप्रूव्ड लेआउट प्रोजेक्ट में देते हैं। अर्बन लिमिट से बाहर हो, विलेज एरिया में हो, लेकिन अप्रूव्ड लेआउट के साथ, वो भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन यदि आपको चाहिए तो आसानी से मिल जाती है। यदि आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं तो आपको 2 साल में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और इस केस में लोन आसानी से मिल जाती है। कुछ लोग सोचते हैं एग्रीकल्चर लैंड ले लेंगे, पर गुजरात में एग्रीकल्चर लैंड सब लोग नहीं खरीद सकते हैं। केवल गुजराती फार्मर से एग्रीकल्चर लैंड पे कोई लोन नहीं देता है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक स्पेशल केस, वो भी गरीब फार्मर के लिए जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, अप टू 2 एकड़ लैंड तक फार्मर लोन मिल जाता है। और अप्रूव्ड लेआउट प्लॉट पे भी 70% ही लोन मिलता है, वो भी आपको 15 साल का टेन्योर मिलता है। और नॉर्मली जो हाउसिंग लोन होता है उससे 2-3% हायर इंटरेस्ट रेट पे ये लोन मिलता है। प्लॉट या लैंड लोन सिक्योर लोन है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा जाता है। यदि कस्टमर या इन्वेस्टर रीपे करने के लिए डिफॉल्ट करता है, पे नहीं कर पाता है, तब बैंक प्रॉपर्टी को कब्जा करता है और ऑक्शन के माध्यम से अपना पेमेंट निकाल लेता है। पर आज के तारीख में धुलेरा में इस सारे कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो इसी कारण लोन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप देखिए, धुलेरा की जो लैंड या प्लॉट, उसकी हैंडओवर पीरियड की कोई फिक्स डेट नहीं है। सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार जब रोड, रास्ता, इंफ्रा बना के देगा, जब आपको या डेवलपर को अलाउ करेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तभी आपके पास फिजिकल पोजीशन उस प्लॉट की रहती है। और आज के तारीख में भी धुलेरा रूरल एरिया में गिना जाता है, अभी तक वो अर्बनाइज नहीं हुआ है। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट धुलेरा में जितने भी प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड प्लान पास नहीं है, पोजीशन डेट किसी का फिक्स नहीं है। यदि अप्रूव्ड प्लान पास है तो उसका हैंडओवर पीरियड भी किसी को मालूम नहीं है कब हैंडओवर होगा। और गवर्नमेंट किसी को भी अलाउ नहीं किया कि वहां पे आज के तारीख में कंस्ट्रक्शन काम चालू कर पाए। फिर भी कई सारे प्राइवेट फाइनेंसर, कई सारे कोऑपरेटिव बैंक वाले कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं लोगों को कुछ ना कुछ तरीके से फाइनेंस मिल जाए और उसी फाइनेंस के माध्यम से वो अपना प्लॉट धुलेरा में खरीद पाए। हाँ, डेवलपर्स आपको एक ईएमआई स्कीम धुलेरा के अंदर दे देते हैं। ईएमआई स्कीम बेसिकली 1.5 साल, 2 साल या 3 साल का रहता है। जो भी प्रॉपर्टी का बेस प्राइस वहाँ चलता है, वो लोग अपना एक इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के आपको हाई रेट में प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जो आपको स्लोली अगले 1.5-2 साल में अपना पेमेंट पे करना है। धुलेरा में कोई भी प्लॉट या लैंड आप खरीद रहे हैं, आप इन्वेस्टर, सेलर या डेवलपर, उनसे जब रेट ले रहे हैं, आप 2 तरीके से रेट लीजिए। एक रेट लीजिए
कि आपकी पूरी पेमेंट तैयार है और आप इमीडिएटली पेमेंट करेंगे तो उसका क्या कोटेशन आएगा। और यदि आप ईएमआई स्कीम पे जा रहे हैं, अगले डेढ़ दो साल में आप पेमेंट करना चाहते हैं, उसका क्या प्राइस रहेगा। हाँ, यदि आपकी रियल में पूरी पेमेंट तैयार है तो आपको बेस्ट और लोएस्ट प्राइस धुलेरा में मिलना चाहिए। लेकिन आपको तो बेस्ट और लोएस्ट प्राइस का आइडिया नहीं है, मेरे तरफ से ये आपके लिए एक फ्री ऑफर है। कोई भी डील करने से पहले कोई भी एरिया की एक बेस्ट एंड लोएस्ट प्राइस पता करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, धुलेरा की प्रॉपर्टी के ऊपर लोन होता है या नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि लगातार हमारे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।